रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते अजयगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के प्रभावशाली नेता ने नज़दीकी रिश्तेदार का ओवरलोड डंपर अजयगढ़ टीआई हरी सिंह ठाकुर, उनके हमराही स्टाफ ने देर रात मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक डंपर पकड़ा। पूछताछ करने पर पता चला कि पकड़ा गया डंपर उज्ज्वल पांडे पिता लखन पांडे निवासी ग्राम पिस्टा का है, जिसे अजयगढ़ पुलिस ने थाने लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने एक अन्य रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की, जो चोरी छुपे लंबे समय से अवैध रेत का परिवहन करता था, उसे भी जब्त किया है। आपको बता दें कि प्रशासन और पुलिस की सख्ती से रेत का अवैध खनन परिवहन पूरी तरह लंबे समय से बंद था। बीते कुछ महीनों पूर्व खनिज मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर अजयगढ़ की रेत खदान में दिग्विजय सिंह ने लगाए थे गंभीर आरोप। आज खुद अवैध रेत का परिवहन करते पकड़े गए कांग्रेस के प्रभावशाली नेता के रिश्तेदार। खनिज मंत्री का बड़ा बयान, कहा चोरों का काम चोरी करना आज सामने आ गया। दिग्विजय सिंह अब इस पूरे मामले पर बयान दे। पन्ना का अजयगढ़ क्षेत्र खनिज संपदा से भरा पड़ा है और पन्ना के अजयगढ़ से निकलने वाली केन नदी में बेतहाशा रेत निकलती है और यही कारण है कि दिन रात माफिया के नदी का सीना छलनी करके अवैध उत्खनन और परिवहन करते हैं। कुछ दिन पूर्व अजयगढ़ क्षेत्र के प्रभावशाली कांग्रेस के नेता और पूर्व जनपद के अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बुलाकर अजयगढ़ की सभी रेत खदानों पर निरीक्षण करवाया था और दिग्विजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष खनिज मंत्री पर अवैध उत्खनन और परिवहन के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन आज जब कांग्रेसी नेता के परिवार के लोगों के डंपर अवैध उत्खनन और परिवहन करते पकड़े गए तो एक बार फिर पन्ना की राजनीति में तहलका मच गया और इस पूरे मामले पर खनिज मंत्री ने मीडिया को बयान दिया कि हमने चोरों की दुकान बंद कर दी थी, इसलिए यह सब हो रहा था। आज सामने आ गया कि कौन चोर है और कौन ईमानदार। अब इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह अपना बयान दें। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता का दबदबा पूरे क्षेत्र में है और यह कई सालों से अवैध उत्खनन और परिवहन करता रहा है, लेकिन आज जैसे ही इनकी अवैध रेत से भरी डंपर पकड़ा गया, वैसे ही बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लोग ही अवैध उत्खनन कर रहे हैं और बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। खनिज मंत्री ने कहा कि किसी भी बल पर पन्ना जिला सहित मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर पन्ना एसपी का कहना है कि शिकायत मिली थी कि जिससे कलेक्टर महोदय के द्वारा एक टीम गठित करके इन गाड़ियों को पकड़ा गया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पन्ना मध्य प्रदेश से महबूब अली की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। देख लें कि जिससे जब उस समय पे वो उनके साथ उस तथाकथित नेता के साथ में जब दिग्विजय सिंह जी घूम रहे थे तो बीरा की जनता ने उनके सामने ये बात कही थी कि आपके बगल में जो चल रहे हैं यही सबसे बड़े माफिया हैं। उस समय वो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर, सांसद जी के ऊपर लगा रहे थे या सरकार के ऊपर लगा रहे थे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार उस समय कमलनाथ जी की रही है, उन्हीं के एक मंत्री ने इन्हीं के ऊपर, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए थे कि माफिया चाहे रेत का हो चाहे दारू का हो, इन्हीं के उससे चल रहे हैं। आज वो चीज़ साबित हुई है। आज यदि आज उसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति उनको साथ में लेके आया था, वो घुमा रहा था, अवैध उत्खनन जहाँ चला रहा था या चल रहे थे, क्योंकि उसकी दुकानें हम लोगों ने बंद कर दी थी, उनको तकलीफ ये थी कि हमारी खदानें क्यों नहीं चल पा रही अवैध रूप से या हमारी गाड़ियाँ क्यों नहीं चल पा रही, इस कारण से इतने बड़े नेता को लाके और दूसरों पर आरोप लगाने का और दबाव बनाने का प्रयास किया था जिससे कि हम पुनः अपनी खदानें चालू कर दें और खुद हम अपने डंपर चालू कर दें। लेकिन आपने आज देखा होगा, आप वहाँ पर देखो, एक भी अवैध उत्खनन नहीं चल रहा है। लेकिन इस तरह के जो नेता है, जो चोरी चपारी करने की जिनकी आदत रही है, जिनके वीडियो वायरल हुए थे, जिन्होंने एसडीएम के ऊपर अटैक किया था, जिनने ठेकेदारे के ऊपर अटैक किया था, आज उसी की गाड़ियां आज रंगे हाथों पकड़ी जा रही हैं और रेत से लदे हुए पकड़ी जा रही हैं। अब इसमें दिग्विजय सिंह जी बताएं कि अब कहां है, अब इसमें क्या स्टेटमेंट है जब उन्हीं के व्यक्तियों की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, अब इसमें क्या बोलना चाहते हैं वो। अभी तक तो उन्होंने बहुत आरोप हमारे ऊपर लगाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद जी के ऊपर लगाए, लेकिन जब जो नेता जिसके साथ पूरा मीडिया देख रहा है कि
मीडिया ने वो फोटो भी खींची है, उनकी वीडियो क्लिपिंग है, जो लगातार कंधे से कंधा लगा के पूरे दौड़े में साथ रहे, उन्हीं के डंपर आज पकड़े जा रहे हैं। अब इसमें दिग्विजय सिंह को जवाब देना चाहिए कि ये कैसे पकड़े गए और क्या ये आपके शरीफ थे जो अब आज उनके डंपर पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से पकड़े गए, कैसे उनने चोरी की, और इनके ऊपर पूर्व में जो मुकदमे इनके अवैध उत्खनन के चल रहे थे, और जहाँ तक उनका ये कहना था कि हम इनको नोटिस हमारे यहाँ के किसानों के करोड़ों के दिए गए, वो नोटिस भी देखे जाए किस समय के हैं। मैं जब उस समय मंत्री भी नहीं बन पाया था तब के वो नोटिस थे, जब इन्हीं के लोग जब कांग्रेस सरकार गई थी उसी समय वो अवैध उत्खनन चले थे, उसी समय पर नोटिस भी अवैध उत्खनन के दिए गए थे, जिनको वो मीडिया के माध्यम से उछालना चाहते हैं और भाजपा में लांछन लगाना चाहते हैं। इस तरह के अनर्गल आरोप एक इतने सीनियर नेता को कभी भी नहीं लगाना समय के हैं। मैं जब उस समय मंत्री भी नहीं बन पाया था तब के वो नोटिस थे, जब इन्हीं के लोग जब कांग्रेस सरकार गई थी उसी समय वो अवैध उत्खनन चले थे, उसी समय पर नोटिस भी अवैध उत्खनन के दिए गए थे, जिनको वो मीडिया के माध्यम से उछालना चाहते हैं और भाजपा में लांछन लगाना चाहते हैं। इस तरह के अनर्गल आरोप एक इतने सीनियर नेता को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, हकीकत पर जाना चाहिए, और कम से कम इन चोरों को, ऐसे अवैध उत्खननकर्ताओं को कभी उनके साथ घूम के अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहिए, उनके कहने पर नहीं आके यहाँ पे दूसरे पर लांछन झूठे लगाना चाहिए। ये नेता और किस पार्टी से संबंध है? वो कांग्रेस के हैं, जनपद अध्यक्ष रहे हैं, उनके पूरा क्षेत्र उनको जानता है कि उनकी कैसी खदानें चली हैं, कैसे उनके काम चले हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज इस तरह के जब नेता जो उनको साथ में दिग्विजय सिंह को लेके आए थे, रात को रुकाए थे, उन्होंने खदाना में घुमाया था, आज वही उन्हीं की गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। अब इसमें तो आप लोग खुद ही फ़ोटो खींच के लाए हो, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिल रही है, तो इससे ये क्या साबित हो रहा है कि वो सही हैं कि हम सही हैं? और इसलिए हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं माइनिंग मिनिस्टर के नाते भी, अब आप वहाँ पे देख लें कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं चल रहा है, लेकिन अब चोरी चपारी से जो लोग काम कर रहे हैं चोरा, क्योंकि इनकी आदतें वो बनी हुई हैं, इसलिए उनका कल ट्रक पकड़ा गया है और आज वो सबके बीच में उजागर हुआ है। अवैध उत्खनन के संबंध में शासन के निर्देश स्पष्ट हैं और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इस संबंध में टीम भी बनाई गई है। इस टीम में रेवेन्यू के अधिकारी के साथ साथ खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें कार्यरत हैं और माननीय कलेक्टर साहब की बनाई गई टीमों के माध्यम से और उनके द्वारा दिए गए आदेश के तहत लगातार हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में अजयगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है।